अरे आप बैठिए तो मैं नहीं समझ रही हूँ। लेकर आ रही हूँ पहले, सब शांत हो जाओ। बड़ी मैं हूँ या तुम? खाली वीडियो बनवाया इससे। अम्मी बड़ी ये वाली बात नहीं है, मेरे पे हाथ कैसे उठा रही? बेटा लड़की बनना चाहते हो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मैजबीन और आप सोच रहे हैं कि ये लड़की इतने धीरे धीरे क्यों बोल रही है, क्योंकि आज मैं प्रैंक करने वाली हूँ। इस वजह से आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि मैं अपने फ्रेंड्स पे करने वाली हूँ बुर्खा प्रैंक। और मैं मतलब ऐसा दिखाऊंगी कि कोई और मतलब लेडी आई है बुर्खा पहन के और उनके साथ क्या क्या कर रही है, मतलब कैसे बात कर रही है, ये सब दिखाऊंगी और देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होता है। मेरा वो बुर्खा और मैं इसको पहनने जा रही हूँ। गाइज मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरे हाथ वाथ जो है ना सब कुछ दिखेंगे आराम से, कि ये मतलब हाथ वाथ मेरे पहचान जाएंगे ये लोग, तो इसीलिए मैंने उसके लिए मंगवाया है ये ग्लव। तो गाइज मैंने ये ना ग्लव पहन लिया है, मैं सारा गेटअप करके घर के बाहर जाऊंगी, बेल बजाऊंगी और फिर आऊंगी सीधा अपने रूम में। तो चलो पहले जल्दी जल्दी सब कुछ बांध लेती हूँ। दुपट्टा बांधना है, मैंने मुंह बांधने के लिए भी तैयारी कर रखी है, वो है ये। और अंदर से शूट कैसे होगा वो भी सारा प्लान हो चुका है, क्या क्या करना है तो वो बस आपको देखने को मिल जाएगा। मैं फटाफट पहले ये करूँ तो लेट हो जाएगा। तो गाइज अब मैं सीधा आपको मिलती हूँ बाहर से, ठीक है? अभी बहुत तैयारी करनी बाकी है। ओ भाई ये क्या है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? गाइस मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बस चप्पल पहनूँ उसके बाद मैं बाहर निकल जाऊंगी यहाँ से, बहुत डर लग रहा है। गाइस मैं अभी घर के बाहर आ चुकी हूँ, बस अब मैं ये सोच रही हूँ सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए और मुझे कोई पहचान ही नहीं। तो चलो यार चलते हैं, बैल बजाते हैं। ये लैपटॉप यहीं पर रखे हुई है। आंटी बैठिए। और क्या हालचाल है? इतना लेट किस चीज में हो गई? आपको तो पता ही है थोड़ा जाम मस्जिद आने में देर लग जाती है। ये सब कौन है? बच्चे लोग आ रहे हैं, स्टार्ट पार्टी का। भाभी आपने मुझे नहीं बुलाया। भाभी कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। ईद की शॉपिंग हो गई आपकी? बच्चों की हो गई? सबकी हो गई। तो आपकी शॉपिंग कहाँ पे होगी? पटना हाउस से। बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ यहाँ, सोचा कि चलो भाई मिल लेते हैं। इतने दिन से प्लानिंग कर रही थी, अब आऊंगी अब आऊंगी। बच्चे आस पास रहते हैं? नहीं नहीं, आज इफ्तार पार्टी बता रही थी ना, इफ्तार पार्टी का तो आज बताया। बड़ी बेटी नहीं दिख रही आपकी? बड़ी बेटी भी सो रही है, रोजा खोल के ना वो सो जाती है। ये छोटी वाली ना 6 साल बाद मिल रही है। इधर आ बच्ची। और आप अपने बच्चे लोग को नहीं ले गए? इतने बच्चे देखिए, बच्चे लाने का मन ही वो हो गया। जाओ आंटी, आप तो शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं। चाय वाय लेती है? बेटा क्या नाम है, क्या नाम है आपका? अनु। आपका बेटा? ऋषभ। क्या ऋषभ? आपका बेटा? जमाल। आपका बेटा? अरुण। क्या करते हो बच्चे आप लोग? आप क्या करते हो बेटा? अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरा भी बच्चा अभी 10th में है। हाँ दिल्ली में ही है, DPS में पढ़ता है, हमेशा फर्स्ट आता है, बहुत तेज है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वहाँ पे रौनक बहुत होगी रमजान की? बहुत रौनक है माशाल्लाह से। आप भी चलिए आंटी। नहीं बेटा इस बार तुम लोग होके आ जाओ, अगली बार आपकी आंटी। नहीं नहीं आंटी चलिए। नहीं तो महीने का तो भी आखिरी कहीं। हाँ चल रहा है, चल रहा है। हाँ बच्चों को दुआ दे देती हूँ थोड़ी खड़ी होके। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारा। बेटे एक चीज बोलूं आपको, थोड़े से बाल कटवा लो। फैशन है आंटी आजकल के बच्चों का, तो हमारे बच्चे नहीं है। बेटा लड़की बनना चाहते हो? इधर आ बेटा मुन्नू, इधर आ मुन्नू। आज से नाम जवाद का जी। प्यारा आंटी जवाद नाम, आंटी जवाद नाम, जवाद जवाद नाम, प्यारा बच्चा है बहुत ज्यादा। हाँ बहुत प्यारा है जी आंटी। रोजे रख लो बेटा जी? सारे चल रहे हैं आंटी, आप भी चल रहे हैं? बेशक माशाल्लाह, ऐसे ही हंसते रहो आंटी। वो हमेशा ही हंसते हैं, हसमुख बच्चे हैं काफी। तमीन को तो जानती हूँ, इतनी सी थी तो आई थी मिलने हॉस्पिटल। तमीन यही? हाँ मैं ये आई थी ना जब मैं पैदा हुई थी, तो थोड़ा बड़ी बेटी से मुलाकात हो गया था। आपकी दोस्त तो उनको काजल को उनको उठा देंगे। नहीं यार वो सो रही है, सोती है वो, उठती नहीं। उधर ही जाके मिल लीजिएगा आंटी, उधर ही मिल लीजिएगा आंटी। चाय वाय नहीं लेनी? नहीं नहीं, कुछ खाने वाने का मंगवाते हैं ना जी आंटी। हाँ कर देती हूँ ऑर्डर। नहीं बेटे नहीं नहीं नहीं, अरे खा लो कोई बात नहीं। अरे नहीं अभी अभी नीचे से मंगा देते हैं ना। नहीं बच्चे नहीं, परेशान मत हो बच्चों, परेशान मत। नहीं नहीं आंटी कर देते हैं। नहीं नहीं जहाँ मर्जी चलिएगा आंटी। नहीं बेटा अगली बार जरूर चलूंगी बेटा। और बहुत चाहो काशिप बेटे, बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े माशाल्लाह, देखते हैं वीडियो इंस्टा पे तुम्हारे। आंटी आप देखती हैं? मेरा बेटा फैन है इसका। अरे तो बेटा वो नहीं बनाई थी आपने ट्रेन की कोई? और समीर नापी की वीडियो देखी जाती है या बस? इसके तो हमारे गली मोहल्ले फ्लैट सब में फैन। आंटी आपके आप बच्चे अब ओखला शिफ्ट हो गई ना? आप भी अच्छा है, इलाका अच्छा है। हाँ बस थोड़ा क्राउड हो जाता है। अरे मैं स्वीटी आपको उठा के आ जाऊंगा। नहीं बेटा रहने दो, नहीं सॉरी सॉरी है, उसको मिल लेंगी ना उधर ही, उधर ही मिल लेंगी।
सुना है भाभी कोरोना फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है। तुम लोग भी बच्चों बाहर जाके मास्क लगा लिया करो, ऐसा लग रहा है बोर हो गए बच्चे मेरे आते ही। नहीं नहीं आंटी नहीं नहीं नहीं, इंतजार कर रहे थे कब से। आंटी आएंगी तो हम बता दिए थे कि आंटी आने वाली हैं, तो ये लोग वेट कर रहा था कब आएगी कब आएगी। जब बुर्का उतार लीजिए आराम से बैठिए आंटी, ऊपर आके बैठ जाइए हम लोग उधर आते हैं ना। नहीं बेटे फिर दोबारा पूरा पहनना पड़ेगा, अभी चली जाऊंगी 10 मिनट। हम लोग से क्या शर्माना आंटी, हम लोग तो बच्चे हैं। हाँ नहीं लड़कियों में और बात होती है, यहाँ दो दो बड़े बड़े लड़के हैं। बात ले अरे नहीं बच्चों बैठो बैठो, अरे कोई बात नहीं चले अभी थोड़ा देर यहाँ पे है फिर उधर ले जाकर। ठीक प्रॉब्लम हो रही होगी ना? नहीं बेटा नहीं कुछ। हाँ बांध के ना बहुत देर से। ऐसे एक बात बताओ भाभी, देख रही हूँ सारे बच्चे घूर बहुत रहे हैं मुझे, ये थोड़ा सा इन लोगों को शर्म आ रही है कि बेटे शर्माओ मत। मैं वो शर्म आता है वो हमेशा ही वैसे ये शर्मीला है वो, आप आओ या कोई आओ वो शर्माता तो बेटा भाभी हमारे बच्चे हैं बहुत ज्यादा। मेरा जो बेटा है 10th में है, इतना शर्माता है इतना शर्माता है, पढ़ाई पढ़ाई के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता। दुनिया में वही एक चीज है जिससे वो नहीं शर्माता, बाकी कोई भी बच्चा ला दो बड़ा ला दो कोई भी ला दो सबसे शर्माता है। आजकल के जमाने में बहुत बड़ी बात है पढ़ाई, बस वो पढ़ता ही बहुत है, तंग हूँ मैं तो इतना क्यों पढ़ उसके पढ़ाई से तंग है बहुत। भाभी क्या करूँ 24 घंटे कौन पढ़ता है, तो हो गई ऊपर नहीं ये तो अच्छी बात है ना। मैं तो चाहती थोड़ा खेल कूद में भी दिमाग लगाए, थोड़ा सा एक्टिविटी भी होनी चाहिए। जैसे ये बच्ची यूट्यूब वीडियो चला लेती है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा बच्चा बहुत पढ़ाकू है माशाल्लाह माशाल्लाह बोलो बेटा माशाल्लाह। ये लोग ये बच्चे लोगों को भी दुआ दीजिए थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दें। दुआ दे दिया मैंने सबको, जवाब को दीजिए आंटी बिल्कुल उसको मैंने जवाब। आंटी के पास जाओ, इधर आ बेटा इधर आंटी के पास जाओ, दुआ ले लो आंटी की, दुआ लगती है बहुत ज़्यादा, ले लो जाके। दुआ तो करने वाले हम है, कबूल तो अल्लाह करेंगे ना बेटा। अल्लाह तुम्हें 10th में पहले नंबर से पास करे जी आंटी, पास हो जाओगे बेटा पास हो जाओ। इस बच्चे को मैंने हिदायत दी है कि बाल काट ले अपना शरीफ लगेगा कटवा लेगा। चलिए भाभी चलती हूँ, ठीक है नाश्ता वास्ता तो कर। नहीं नहीं आंटी कुछ खाइएगा तो हम लोग मंगा देते हैं। नहीं बेटा नहीं लगेगा, नीचे ही मिलता है नीचे ही मिलता है, नीचे मंगवा देती हूँ आंटी रुक जाइए। नहीं नहीं आप बैठ जाइए आंटी। अरे नहीं बेटा आंटी बैठ जाइए मैं लेकर आती हूँ। नहीं बहुत अरे आप बैठिए तो मैं नहीं समझ रही हूँ, लेकर आ रही हूँ पहले समझ नहीं आता क्या भाभी क्या सिखाया, नहीं खाली वीडियो बनवाया इससे बिल्कुल तमीज नहीं है इसको आंटी। इतना आंटी नाश्ता ही तो आपको बोल रही थी कि आप नाश्ता करके जी मिलता है ना 5 मिनट। चुप थोड़ा अच्छे भी बोल रही थी आपने गलत। सब शांत हो जाओ, बड़ी मैं हूँ या तुम, बदतमीज सारे के सारे। आंटी आपको मेरे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बस चुप हो जा। बड़ी है कोई बात नहीं। अच्छा अम्मी बड़ी है वाली बात नहीं, मेरे पे हाथ कैसे उठा रही थी। नहीं बड़ी है कोई बात नहीं, हाथ नहीं उठाऊ सब पे उठाऊंगी हाथ, इतनी बदतमीजी नहीं होती किसी से। चलिए चलिए मेरे रूम में चलिए। आंटी ज्यादा हो रहा है आपका। कसम से जितनी बार ऐसे मुड़ मुड़ के आई ना मेरे को लगा कोई शर्मा रही है। कितनी देर से वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, इधर भी उधर भी पकड़ लगा। अबे यार दुनिया के सबसे बड़े डम लोग यहाँ पे मौजूद है जो मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए, और तुम लोगों पे मैंने प्रैंक कर दिया कैसा लग रहा है? तो बताओ बच्चों तुम लोगों पे मैंने प्रैंक किया कैसा लगा? पहली बार कोई प्रैंक सही से करा है। माइक खराब हो गया ये सब जो करके यहाँ पे लगा रखा, और हमको पूरी को चोरी सुनाई थी है आ रहे वहाँ से उगला से, वो जो रिलेटिव आ रहे वो मैं ही हूँ। तीन दिन तुम लोगों पे सोचा था प्रैंक करने, पिछली बार भी तुम लोग आए थे तो कर नहीं पाई थी, उससे पहले भी आए थे तो नहीं कर पाई थी। आंटी जब बात करे अम्मी आ गई। अरे पहले मेरे को भी लगा कि इसकी मम्मी है। प्रैंक बिल्कुल सक्सेसफुल रहा इन लोगों के ऊपर। अब आप लोग बताएं कि आपको ये प्रैंक कैसा लगा, मैं बहुत सालों से इंतजार कर रही थी इस प्रैंक के लिए। तो गाइस यहीं पे खत्म होती है मेरी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब मैं मिलूंगी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।